हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी नेट के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि सेफ्टी नेट यानी कि होता क्या है, सेफ्टी नेट का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी नेट कितने टाइप के होते हैं और वो क्या है, सेफ्टी नेट को हम कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सेफ्टी नेट का जो लोड कैपेसिटी है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सेफ्टी नेट के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो, जहां पर खास तौर से हाई राइज बिल्डिंग होती है, तो वहां पर आपको सेफ्टी नेट देखने को मिलता है। तो सेफ्टी नेट जो है ये एक सेफ्टी सिस्टम होती है जिसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है और उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि अगर कोई वेट उसके ऊपर अगर गिर जाता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो उसकी कुछ लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, उसके अनुसार जो है वो वहां पर वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको नीचे नहीं गिरने देता। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट का खास तौर से जो इस्तेमाल है वो हाई राइज बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन साइट पर किया जाता है, जिसकी वजह से अगर एक्सीडेंटली अगर कोई पर्सन उस सेफ्टी नेट के ऊपर अगर गिर जाता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्शन साइट से उस सेफ्टी नेट के ऊपर गिर जाता है तो उसको एक्सीडेंट से होने वाली जो भी इंजुरी हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस सेफ्टी नेट का इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी नेट जो है वो पूरी दुनिया में एक सेफेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव फॉल प्रिवेंशन सिस्टम है। चलिए अब जानते हैं सेफ्टी नेट के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप वर्क एट हाइट पर काम करते हो तो वहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वर्क एट हाइट से आप नीचे गिर सको। तो अगर आप मान लो गलती से नीचे गिर जाते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो एक सीरियस इंजरी में हो सकता है। लेकिन अगर आप जिस हाई लेवल वर्क एरिया पर वर्क एट हाइट पर काम कर रहे हो और उसके नीचे अगर सेफ्टी नेट को इंस्टॉल करते हो तो वहां पर आपको सीरियस इंजरी होने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है, इनकेस अगर आप गलती से उस ऊंचाई से उस नेट के ऊपर गिरते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हाई राइज बिल्डिंग में जब भी आप काम करते हो तो ऊंचाई पर जब आप काम करते हो तो वहां से कोई भी लूज मटेरियल हो या फिर टूल्स हो वो ऊंचाई से नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम वहां पर सेफ्टी नेट अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो जो लूज मटेरियल या फिर टूल्स जो ऊंचाई से नीचे गिर रहा है उस लूज मटेरियल को ये जो सेफ्टी नेट है वो वहां पर स्ट्रक कर लेती है और उस लूज मटेरियल को नीचे नहीं गिरने देती। और अगर उस सेफ्टी नेट के नीचे अगर कोई पर्सन अगर आ जाता है तो ये अगर मटेरियल अगर अरेस्ट हो जाएगा तो उनको जो है कोई हानि नहीं होगी, उनको कोई भी इंजुरी नहीं होगी और इस तरीके से हम जो नीचे में काम कर रहे हैं वर्कर उनकी जो लाइफ है वो सेव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी नेट जो है ये एक सेकेंडरी सेफ्टी प्रिकॉशंस है वर्कर के लिए, जिसकी सहायता से हम आदमी को और लूज मटेरियल को नीचे गिरने से वहां पर बचा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सेफ्टी नेट के टाइप्स के बारे में। तो खास तौर से सेफ्टी नेट जो है वो किस मटेरियल से बनी हुई है उसके ऊपर जो है इसके टाइप्स होते हैं। तो ऐसे उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है HDPE रॉ मटेरियल का, यानी कि HDPE का जो रॉ मटेरियल है उससे जो सेफ्टी नेट बनती है वो पहली कैटेगरी में आती है, HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। अब इस टाइप की जो सेफ्टी नेट है वो खास तौर से हम हाई राइज बिल्डिंग हो, स्कैफोल्डिंग हो या फिर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस सेफ्टी नेट का हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद का सेकंड टाइप है वो है मेटल सेफ्टी नेट, जो मेटल से बनी हुई रहती है। और इस मेटल सेफ्टी नेट का जो इस्तेमाल है वो हम खास तौर से जहां पर एक्सकैवेशन होता है वहां पर हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सकैवेशन जब भी हम करते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि उस एक्सकैवेशन के एज से कोई सॉइल हो या फिर स्टोन हो वो कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम वहां पर मेटल सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की जो सेफ्टी नेट आती है उसी को हम मेश कहते हैं, जिसका डिजाइन होता है स्क्वायर या फिर डायमंड मेश टाइप। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी नेट को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सेफ्टी नेट जो है उसको अटैच किया जाता है जो रोप्स है उसके साथ टाई करके, वो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ में। सेफ्टी नेट जहां पर हम इंस्टॉल करते हैं तो वहां से लेकर जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर वर्कर गिरने के चांसेस है, जहां पर वो वर्क एट हाइट पर काम कर रहा है, तो वहां से लेकर सेफ्टी नेट तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मेंटेन करना है 6 मीटर डिस्टेंस। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि फाल जो हाइट है वो यहाँ पर दी गई है 6 मीटर मैक्सिमम। फिर उसके बाद है कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है
वहाँ से लेकर जो एज ऑफ कॉर्नर है यानी कि सेफ्टी नेट का जो एंड पोर्शन है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मेंटेन करना होता है 2 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हर एक जो एंकर पॉइंट है जहाँ पर जिस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ में हम सेफ्टी नेट को बांध रहे हैं तो उसकी लोड बेयरिंग जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए कम से कम 6 किलो न्यूटन। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हॉरिजेंटल में 45 डिग्री तक उसका लोड एंगल होना चाहिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो इस प्रकार जो है हम सेफ्टी नेट को कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी नेट की लोड कैपेसिटी जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर वर्कर जो है वो गिरने के चांसेस है या फिर लूज मटेरियल गिरने के चांसेस है, तो उस वर्किंग प्लेटफॉर्म से लेकर नीचे 6 मीटर तक हमें जो है उस सेफ्टी नेट को इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म पर हमें एक सीमेंट बैग हो या फिर सैंड बैग जो है वो भरकर रखनी है, जिसका जो वेट है वो रहेगा 181 kg यानी कि 400 पाउंड। अब क्या करना है कि वो जो भरी हुई सैंड बैग है उसको हमें उस वर्किंग प्लेटफॉर्म से उस सेफ्टी नेट के ऊपर ड्रॉप करना है, जिसका जो डिस्टेंस रहेगा जो रहेगा 6 मीटर तक। अब जब ये 400 पाउंड का बैग का जो वेट है सेफ्टी नेट पर गिरेगा तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि अगर वो सेफ्टी नेट सही से अगर बंधी नहीं है, सही से अगर इंस्टॉल नहीं है, तो वो क्या होगा कि उसमें से जो ड्रॉप किया हुआ जो मटेरियल है वो नीचे गिरने लगेगा, यानी कि जो भरी हुई बैग है उसकी वजह से वो जो सेफ्टी नेट है वो कट भी सकती है या फिर उसमें बड़ा सा होल भी हो सकता है, जिसके कारण वो सेफ्टी नेट को फाड़ कर नीचे भी गिर सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर सेफ्टी नेट सही से अगर इंस्टॉल की गई है तो ये जो 400 पाउंड बैग का जो वेट है जब इसके ऊपर ड्रॉप होता है तो उस लोड को वो आसानी से झेल सकता है, यानी कि वो जो सेफ्टी नेट है वो कैपेबल है उस लोड कैपेसिटी को बेयर करने के लिए। और फिर उसके बाद हमें ये पता चली जाएगा कि सेफ्टी नेट जो है वो कैपेबल है क्या इस लोड कैपेसिटी को बेयर करने के लिए, और अगर वो बेयर नहीं कर पाती और उसकी वजह से वो जो सेफ्टी नेट है वो फट जाती है या फिर कट जाती है तो हमें तुरंत उस सेफ्टी नेट को रिजेक्ट करना है। चलिए अब जानते हैं सेफ्टी नेट के साइज के बारे में, मेश साइज के बारे में और मेश रूप के बारे में। तो सबसे पहला सेफ्टी नेट का जो साइज है वो है 10 मीटर बाय 5 मीटर, जिसमें मेश का जो साइज आता है वो है 100 mm और मेश रूप का जो साइज आता है वो है 4 mm। और फिर उसके बाद का सेकंड जो सेफ्टी नेट का जो साइज है वो है 6 मीटर बाय 4 मीटर, इसमें मेश साइज जो है वो आता है 25 mm और मेश रूप जो है उसका साइज आता है 2 mm। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी नेट के बारे में, जिसमें हमने जाना कि सेफ्टी नेट क्या होता है, सेफ्टी नेट के यूजेस क्या है, सेफ्टी नेट के टाइप्स क्या है, सेफ्टी नेट को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सेफ्टी नेट की जो लोड कैपेसिटी है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।